लगता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, पूरा तिरंगा पूरे देश को एक साथ समेटे हुए कहीं नजर आता है, तो वो कांग्रेस का मंच है। जहां जाति और धर्म के नाम पर टकराव नहीं है, जो भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो भारत को संकल्प के साथ सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम कांग्रेस है। और कांग्रेस का इतिहास बलिदान का इतिहास रहा है। पहला बलिदान हुआ महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब लोग कांग्रेस से निकले। स्थापना दिवस है आज के दिन, एक ही संकल्प होना है, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा तिरंगा। देश को टारगेट पर खड़ा करके और सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ संकल्प लेने का दिन है। मुझे पक्का विश्वास है अब राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। न्याय इस बात का है कि जो आपने वादे किए रोटी के, रोजगार के, वो वादे आपको पूरे करने चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगा, सनातन धर्म की बात होती है, सनातन का मतलब है जो सबको बराबर का अधिकार, जो प्रेम की बात करता वो सनातन है। सनातन तो वो है जो कभी भेदभाव नहीं करता, जो कभी टकराव की, बिखराव की, खून खराबे की बात नहीं करता, उसी का नाम सनातन धर्म है। जो सनातन का नाम लेकर खून खराबे की, टकराव की बात करते हैं, वो देश का भला नहीं कर सकते। मैं सब लोगों से कहूँगा, गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राजा राम का चरित्र सबसे अच्छा यदि किसी ने बताया तो महात्मा गांधी ने बताया। महात्मा गांधी ने कहा कि भगवान राम, राजा राम वो है जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। और बीजेपी कहते हैं राजा राम सिर्फ हमारे, तो राजा राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। इसलिए प्यार और प्रेम रहना चाहिए, आज के दिन एक ही संकल्प है हमारा। वादा तो बीजेपी ने सरकार में आने से पहले कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहा था, कहाँ गए वादे? बीजेपी का, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हनीमून पीरियड ही खत्म नहीं हो रहा। वो माला पहनने में, स्वागत कराने में व्यस्त है, ना तो उनको फुर्सत है कानून व्यवस्था संभालने की। राजधानी जयपुर में खुलेआम एक महिला को कुचलकर मार दिया, एक महिला की 1.5 मिनट तक चैन तोड़ते रहे लोग, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर मुख्यमंत्री, दो दो उप मुख्यमंत्री इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे। बीजेपी के आते ही पेपर लीक हो गया, कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, झूठ बोलने की होड़ लगी थी, कहाँ है वो बीजेपी के नेता? आप कब तक हनीमून पीरियड मनाओगे भाई साहब? आप एक महीना होने को आया, आप कैबिनेट नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, कैबिनेट से जनता को, आपको नहीं बनानी है मत बनाइए, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक कीजिए। जो वादे किए हैं आपने, कहा था 12-13 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल हम कम कर देंगे, आप, आपके सबसे बड़े नेता की बात नहीं मान रहे, तो पेट्रोल डीजल आज ही घोषणा करो, खत्म करो, कम करो। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम तो बिल्कुल कम हो गए, कब करोगे पेट्रोल डीजल कम? 500 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे थे, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में हम दे रहे थे, इन्होंने 450 की घोषणा की। तो 450 की घोषणा तो सबको दो ना, सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों को। आपने तो कहा था हम सब महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, अब अचानक कह रहे नहीं सिर्फ उज्ज्वला वालों को देंगे, तो आप सबको क्यों नहीं दोगे? सब महिलाओं को दो, आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला, हमारी तो बड़ी हार हुई है, आपकी बड़ी जीत हुई है। आपने वादा किया था सब महिलाओं को 450 रुपए का सिलेंडर देने का, आप सिलेंडर दो, जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब देना पड़ेगा। और बीजेपी के लोगों से कहूँगा, सिर्फ डायलॉग बाजी, घूमने से, माला पहनने से, स्वागत कराने से राजस्थान नहीं चलता, काम करके दिखाइए और जो वादे किए उनको पूरा कीजिए।